गेलन। आ जब बहरे कमाए चल गेलन दू महीना चार महीना बीतता तब ना कनिया के लगे फोन कैलन तो कनिया से एगो बात कहतलन। का कहलन? ज्योति सरगम बा एक बार फिर से उहे अंदाज में बाबा और उहे टीम के साथ में एगो फिर से नया कांड लेके आइल बानी आप लोग के बीच में बा। आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि जैसे हर बिरहा के आप लोग दुलार प्यार देहिला वैसे ही ये बिरहा के भी दुलार प्यार आशीर्वाद मिली बा। वीडियो में अंत तक बनल रही बिरहा में भूमिका में चार लाइन भाव लिखल गेल मास्टर साहब। सृष्टिकर्ता तू कैसी ये सृष्टि बनाया कि दुनिया में मानव बने हैं दुरंगी मरता है मानव और आत्मा अमर है धरा पर किसी का न कोई है संगी अगर प्यार करना है सच्चा करो हरे सच्चे प्रेमी को परमात्मा भी है मिलता लिखे का भी बबलू व्यथा साथियों सचमुच कमल भी तो कीचड़ में खिलता। ए बाबूजी बाबा ये सच कहा गया है कि प्रेम एक ऐसा बंधन है जो हर किसी से नहीं होता है और ये भी सच्चाई है कि हर खूबसूरत चीज को कठिनाइयों से पाया जाता है नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। आगे हुआ क्या? क्या गजल के लाइन में बताना है। कि मेरे महबूब कि मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया
लेकिन भाव में लिखल गई। बहुत सुंदर बात कहना है कैसे, लैला मजनू ने लैला मजनू ने दुनिया में सच्चा प्यार किया। सच्चा हुआ था लैला और मजनू का, जिसके आधार पर फिल्मों में भी किया जाता है, और वही के फिल्म वाला भी सिद्ध कर देहलन, फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। और हीर रांझा का प्यार, ये प्यार अमर रहा, इसको प्रेम कहते हैं। क्या बात है, आगे कहानी के कर बा, कहां के बा, नजम में बतावे के बा। बगीचा मालिका पर एक नहीं फूल खिला, नूतन कहानी पत्रिका प्रमाण है मिला। मान गांव के निवासी त्रिवंत देव थे, माता पिता की सेवा में वह सत्यमेव थे। त्रिवंक देव की चमकी हुई जमींदारी थी, पुत्र विहीन संपत्ति उनकी भारी थी। त्रिवंक देव का नौकर का नाम शंकर रहा, गरीबी मौज में अपना जीवन गुजार रहा। बाबूजी, त्रिवंक देव ठाकुर साहब रहलन, और इतना अमीर रहलन, भाई जमींदारी का बातें अलग बा, इतना अमीर रहलन कि उनकर धन के केहू खाए वाला, केहू खर्च करे वाला ना रहे। भगवान उनकरे गोद में ये कहू संतान ना दहल रहलन, ना लड़का ना लड़की, केहू खर्चा करे वाला ना रहे। लेकिन उन्हीं का घरवा काम करत रहलन, नौकरी करत रहलन, उनकर नौकर रहलन शंकर। वही शंकर जिनकर पत्नी के नाम बस सीता, और एगो छोट बेटा है करीबन 5-7 साल के बा, वो बेटवा का नाम बतावल बस शिवा। वो अपन छोट परिवार में नौकरी करके और परिवार का पेट जिलावे खिलावे का काम करत हुआ। लेकिन एक दिन की बात है बाबूजी, उनकर पत्नी बीमार पड़ गई, कहना है कैसे तर्ज लग गई। जवान कौनो भौजाई अपना ननद से बड़ी प्यार से कहले बिया, चुन्हा के कहले बिया, इहे कहे का कहे कि अरे पियावा कि पियावा मिलल बलल मुनावा देखे के सपनावा। लेकिन ए बा
पत्नी बीमार पड़ल है। कहना बा कैसे? कैसे? बीमार पड़ली तो शंकर इतना गरीबी में हुआ कि उनका पास पैसा ना हक दवाई करावे खातिर। ए बाबूजी अपने सेठ जी के घरे गईलन, वो ठाकुर जी के घरे गईलन और जाके ठाकुर जी से हाथ जोड़ के कहलन कि ठाकुर जी हमारे पत्नी के तबीयत बहुत खराब बा, आप 500 रुपया दे देती तो हमार पत्नी के इलाज हो जाए। कहे कोने भाव में? अरे कहे शंकर दे द 500 रुपया उधार हो, शंकर जब ऐलन पैसा लेके अपने पत्नी के इलाज करावे खातिर हॉस्पिटल में लेके गइल बाड़न। ए बाबूजी 7 साल के लड़का बा और अपने पत्नी के हॉस्पिटल में इलाज करावे खातिर ले गइल बाड़न, इलाज चल रहल बा, ओगरिया भइल का तर्ज बदल गए। सौखी से अपना सैया के शिकायत करत बिया, इहे कहे कि ये सौखी तनकियो अगर सब्जी में नमक तेज पड़ गई तई मुआना मारे लग कि हमके गरियाए के रख दे। का कहे कि रतिया बोल मुआ दिहू इलाज करावत हमन, ओह घरी पत्नी के इलाज में बड़ी पैसा लागत है लेकिन पत्नी का जान बचल ना भइल। कैसे
बाबूजी, जब उनकर पत्नी यह दुनिया के छोड़ के चल गई ली, जब दुनिया के छोड़ के गई ली, तब उनकर एगो बेटा रहे छोट सिवा, ओकरा आगे भइल का आगे बतावल गई। बाबूजी, जब जनलन ठाकुर साहब कि उनकर पत्नी ए दुनिया में ना है, ए बाबूजी ठाकुर साहब अपने घरवा से गइल बाड़न हॉस्पिटल में, आ हॉस्पिटलवा में देखलन तो उनकर पत्नी ए दुनिया के छोड़ के चल गई है। ए बाबूजी, अब ठाकुर साहब कैलन का कि अपन रीति रिवाज के अनुसार उनकर पत्नी के दाह संस्कार करैलन, और दाह संस्कार करैला के बाद ए बाबूजी उ लैकवा जवन हा माई के साया से वंचित हो गई हा, उ लैकवा साहब के चरनिया पकड़ के रोवत बा कि ए साहब, हमार बाबू तो इतना गरीब, हमार माई ये दुनिया छोड़ के चल गई ली, आखिर में हमार पालन पोषण कैसे होई साहब। ए बाबूजी, उ साहब के भी एकहू संतान ना रहलन। उ ठाकुर साहब कैलन का कि वो लैकवा के लेके अपना घरे चल गईलन, और उ लैकवा के लेके जब घरे गईलन तो कुछ दिन बाद उनकरा के एगो बेटी का जन्म भइल बा। आगे कहना है कैसे तर्ज बदल गए। ओहे तर्जबा, कोनो पतो कहतिया सास के बारे में का कहे का? अरे कि सासु मारे तनावा, अरे त हई न नदियो मारे तनावा, रे तनावा हई हो मारे गरीबी में हमनी के दिन कैसे बीती, इगु आपे सहारा बानी के हमनी के दिन गुजार सकत बानी, हमनी के देख रेख कर सकत बानी। आगे भइल का चले।
साहब के बिटिया भैली। कुछ दिन बाद बिटिया के बरही मनावल गेल धूमधाम से सोहर गवात बा। ए बाबूजी, धीरे धीरे बिटिया भी वही शिवा के साथे खेले लगली, पले बढ़े लगली और जैसे जैसे उनके होश बढ़ल वैसे वैसे जब दोनों लोग जवान भइलन तो ए बाबूजी अपने बिटिया के नाम धैले रहलन ठाकुर साहब सुगंधा। वही सुगंधा और शिवा के बीच में प्रेम बढ़ल बा। ए बाबू, जब प्रेम बढ़ल बा तो भैल का गीत लग गई। धीरे 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 ठाकुर साहब के मालूम चल गई। आ जब ठाकुर साहब के मालूम चल गई तो ठाकुर साहब कैलन का आगे बतावे के बा। पावल त्रियंक सेवा प्यार के खबरिया, प्यार के खबरिया। Ah!
जब इतना बात मालूम चलल उ ठाकुर के कि हमार बिटिया और शिवा आपस में प्रेम करत हवन, तई मनवा में सोचत हवन और कहत हवन कि जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसको अपने घर पे ला करके रखा, इसको सहारा दिया मैंने, और मेरे ही घर में रह करके मेरे ही बेटी को बदनाम कर रहा है, मेरे ही आबरू पे हाथ डाल रहा है। ए बाबूजी, इतना सोच गईलन, इतना सोच गईलन तो फिर भइल का टेरी में बताओ के बा। अरे पियोगी भंवरा जाल में फंसा, तो बगिया उजड़ गई जब माली हुआ बेहाल, अरे बेहाल, अरे बेहाल। ए बाबूजी, उ दोनों लोग के ठाकुर साहब अलग अलग कर दिहलन, अपने बिटिया के उनकरे मामा गांव में भेज दिहलन, और ओकरे बाद बेटवा शिवा के साथे कैलन का पहपट लग गए। अरे कि गई सुगंधा मामा के भवनवा, सोचे मनवा में तो कैसे होई है शिवा से मिलनवा, सोचे मनवा में। एहवर सुगंधा अपने मामा के घरे जरूर है, लेकिन उनकर मनवा बस शिवाय के पास। बाबा सोचत रहले कि शिवा से कैसे मिलन होई, एक नजर हम शिवा के देख लेते। यह मनवा में सोचत थी ओकरा बाद फिर भइल का, इधर ओहर के बाद ओहर छोड़ी, अब एहर भइल का। ठाकुर अपने खेत के अंदर गड्ढा एक खोदवाए हो, अरे शिवा का गर्दन बही काट कर मिट्टी में तो पवाए हो। अरे की हवर सुगंधा देखली सपनवा, सोचे मनवा में की हर सुगंधा देखली सपनवा, सोचे मनवा में ते पिताजी कटले शिवा के गर्दनवा, सोचे मनवा में। एहवर ठाकुर साहब का कैलन कि ओ लड़का के बुला के और अपने खेत में गड्ढा खनवा के और ओ लड़का के गर्दन काट के और वही खेतवा में गाड़ दिहलन। आए बाबूजी, जब खेतवा में गाड़ दिहलन, एहवर इहे एकदम सीन, सेम टू सेम सीन दिखत बा सुगंधा के सपना में। सुगंधा सपना देखत आरी कि हमरा शिवा के साथे हमरे बाबूजी ऐसन ऐसन सुलूक करत बाड़न, हमरा शिवा के गर्दनिया काट के वही खेतवा में गाड़ दिहले हुमन। ए बाबूजी, शिवा वही खेत में गड़ा गइलन, ओकरा बाद भइल का आल्हा लग गइल। कहल जला कि प्यार पहचाने नाही, जतिया धर्मवा ए भैया, जो
बात है, वह लड़का जिसका नाम शिवा था, उसकी आत्मा निकली और निकल करके और सुगंधा के ननिहाल में चला जाता है। बा, बा, बा। जब सुगंधा के ननिहाल में गए, जाके दरवाजा खटखटावत बा। जब दरवाजा खटखटैलस, तब सुगंधा के मामी दरवाजा खुलली। मामी से कहलस कि ये मामी, हम आधी रात का ऐसे लेवे आईनी है सुगंधा के, 12 बजे रहे वो रात में, सुगंधा के लेवे आईनी है कहे से कि ठाकुर साहब बड़ा अर्जेंट सुगंधा के बुलैल हन। इतना बात कही के और वहाँ से मतलब जवन कुछ भी बतियोले बड़न, तब सुगंधा के मामी कहले बाड़ी कि आखिर में तुह लोग जेबा कैसे। तो वो कहले बाड़न, सिवाय कहलन कि हम बैलगाड़ी लेके आयल बानी और वही बैलगाड़ी से अपना सुगंधा के हम लेके जाए। ठाकुर साहब उनके बोलौले हम, ए बाबू जी, वही रात में सुगंधा भी वही शिवा के साथे जाए खातिर तैयार हो गई। और वही रात में शिवा अपने सुगंधा के लेके और बैलगाड़ी पर बैठा के चलल बा। आ जब कुछ दूरी पर अलन, तो शिवाय कहलन कि ए सुगंधा, हमारे कपार में बड़ी तेज दर्द होता। तब सुगंधा का कहली कि अपने दुपट्टा उतार के और उनकर कपड़ा के बांध दिहली। आ जब कपार के बंधाइल हो, तब धीरे 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 घर भी नियर आ गए। और धीरे धीरे घर भी नियर आ गए दरवाजा पर छोड़ के उनके, और शिवा कहलन कि तू अंदर जा और हम आवतनी। आ जब पीछे मुड़ के देखली, तो वही कबरवा में जाके और शिवा समा गईलन। तब आधी रात के जाके अपने दरवाजा खटखटाव तरी खड़ी में बतावल गई, अरे के बिटिया माई माई कह कोहरावे लगली, तया के रटिया में केवाड़ खोलावे लगली। बाबूजी, जब आके रात में केवाड़ी खोलवली, तब उनकर माई जब केवाड़ी खोलली, देखली तो आधी रात में अपने बिटिया के पावत है। बाबा बाबा, बिटिया से पूछली कि ये बिटिया कोनो दिक्कत परेशानी रहल हो कि इतना रात में आ गईलू हो। बिटिया बतावत है कि ये माई, तू ही लोग तो भेजले रहली आवे खाती हमके, और का बतावे। अरे बोली है सुगंधा हमके शिवा जाके ले आइले हो, खेतवा में जाए के एक गड्ढा में समाई गईले हो। अरे सच्चा प्यार के दुनिया में समझावे लगली, कि सच्चा प्यार के दुनिया में समझावे लगली, तया के रतिया में केवाड़ खोलवावे लगली। जब ई बतिया के बतौली कि हमरा के शिवा लेके अइलन ह आ छोड़ के जा हो कबरवा में चल गइलन ह, ए बाबूजी, बाप के पैरे तले जमीन खिसक गइल। सोच गइलन कि आखिर में ई सही बात ह कि गलती बात ह। बिरहा समाप्त भइल, आखिर लाइन में बतावे के बाद, गुरु बिहारी गुरु गणेश धन्य हरि की माया, अरे के बिरहा